हे गाइस, वेलकम टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। दिस साइड मीमांशु चौबे एंड आज मैं आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत पावरफुल टेक्निक स्क्रिप्टिंग शेयर करने वाली हूँ। स्क्रिप्टिंग करने से पहले सर्टेन पॉइंट होते हैं जिसे हमें जान लेना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या है? हाउ डज स्क्रिप्टिंग हेल्प इन मैनिफेस्टेशन? स्क्रिप्टिंग हमारी कैसे मदद करती है हमारे मैनिफेस्टेशन जर्नी में? एंड हाउ टू डू स्क्रिप्टिंग, कि स्क्रिप्टिंग कैसे करें? सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्क्रिप्टिंग। सो बेसिकली स्क्रिप्टिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो पावरफुल टेक्निक होती है जिसमें हम अपनी कोई भी डिज़ायर, हमारी कोई भी विश को हम मेंशन करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे फिजिकल रियलिटी में वो क्रिएट हो जाए। मीन्स हम उस चीज़ को अपनी फिजिकल रियलिटी में जीना चाहते हैं। जिस भी जो भी हमारी विश है इसको हम इस फॉर्म में प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं जैसे कि वो हमारे लाइफ में हो चुकी है एंड उस सर्टेन चीज़ के लिए हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं यूनिवर्स को। नाउ सेकेंड थिंग कि स्क्रिप्टिंग, हाउ डज स्क्रिप्टिंग हेल्प्स इन मैनिफेस्टेशन जर्नी। तो स्क्रिप्टिंग हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कैसे वर्क करती है? तो अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं, तो लिखना अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक माना जाता है। कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये कहा गया है कि जब हम कोई चीज़ लिख के मैनिफेस्ट करते हैं तो उसका जो चांसेस होता है अचीव होने का, उस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट होने का, वो इंक्रीज़ हो जाता है अप टू 1.6 टाइम्स। ठीक है, तो इस वजह से हम लिखने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं मैनिफेस्टेशन में। अब हम हमारी कोई भी विश को अगर हम लिख रहे हैं तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है, हमारा माइंड उस चीज़ को जल्दी अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, उस चीज़ को जल्दी अट्रैक्ट कर पाएगा तो हमारे लाइफ में वो चीज़ जल्दी इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट कर जाती है। क्योंकि हम जब कुछ लिखते हैं तो हमारा पूरा फोकस हमारे उस पर्टिकुलर रिटन चीज़ पर होता है कि हमें क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उस चीज़ पे हम फोकस करते हैं। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उस चीज़ को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। एंड हमें भी पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि जब कोई बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गई तो डेफिनेटली वो हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट होगी ही होगी। नाउ थर्टी, अब हम स्क्रिप्टिंग को कैसे यूज़ करें, कैसे हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं कि हमारी विश जो है हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो स्क्रिप्टिंग करने का सबसे सही तरीका क्या होता है कि जो भी आपकी विश हो, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी जॉब लग जाए, तो अब आपका जो इंटेंशन है, जो कि आपकी विश है, वो क्लियर है कि आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए। इसी के साथ आप इस चीज़ को पूरा अच्छे से डिटेलिंग फॉर्म में आप इसे मेंशन करेंगे कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जॉब इस एक्स वाई जेड कंपनी में लग जाए, मेरी जॉब की लोकेशन इधर हो, मेरी सैलरी ये हो, उसका वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, उसके कलीग कैसे हैं, आपकी सैलरी पैकेज कितना है, आपका क्या काम है, आपका कैंटीन कैसा है, आपके कलीग के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आपके सुपरवाइज़र कैसे हैं, आपका पोस्ट क्या, आपका प्रमोशन कैसे हो रहा है, आप कैसे आते हो, वो सारे चीज़ें एक स्टोरी फॉर्म में आपको मेंशन करनी होती है स्क्रिप्टिंग में। और जब आप इसे लिख लेते हैं तो उसे क्या करते हैं कि आप लिखिए रात को, और सुबह जब आप सो के उठते हैं, सबसे पहले फ़ोन को यूज़ किए बिना सबसे पहले आप उस स्क्रिप्टिंग को उठाइए और एक बार बस ऐसे ही गो थ्रू कर लीजिए कि आपने क्या लिखा है, एंड उसके बाद आप छोड़ दीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, कुछ टाइम बाद आप ये नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे कि आपकी वो जो डिज़ायर है, आपकी वो जो विश है, वो आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट होने स्टार्ट हो चुकी है। प्लीज़ इस टेक्निक को करिए एंड डू लेट मी नो कि किसकी किसकी विश है जो कि मैनिफेस्ट हो चुकी है। थैंक यू।